हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की सीरीज में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत में जो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं, उनके बारे में इस लेक्चर में हम जानेंगे और जानेंगे क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व और क्या होते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और हम स्टेट वाइज जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है तीन टर्म जो लिखे हैं आपके सामने, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन नेशनल पार्क क्या होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो हम पढ़ते तो रहते हैं बराबर, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि किसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व और किसे वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इनमें क्या डिफरेंस होता है यानी क्या अंतर होता है। तो हम आपको बता रहे भी, और वन्य जीव अभ्यारण्य को यही कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका जो दूसरा नाम है यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व ही कहते हैं, यही इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही नाम होता है, सेम नाम। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, उसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, यानी ये सबसे बड़ा होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंदर आते हैं, जैसे ये हो गया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसी के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों इसी में शामिल होते हैं, यानी जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है बायोस्फीयर रिजर्व का होता है। और हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं, जिनमें हम कुछ के बारे में आगे पढ़ेंगे भी, जैसे कंचनजंगा है और काजीरंगा, सुंदरवन, ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिए गए हैं। तो इन्हीं के अंडर आ जाते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अब जानते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो नेशनल पार्क हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, बट जो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है और यहाँ पर थोड़ी छूट भी दी जाती है, जैसे आप घूम भी सकते हैं और अपने जानवर भी चरा सकते हैं, यानी जो पशुचारण है वो यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान के जो नियम हैं वो काफ़ी कठिन होते हैं और यहाँ पर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की अनुमति नहीं होती है। जो नेशनल पार्क घोषित होते हैं यानी जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित होते हैं उनमें किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी की कोई भी अनुमति नहीं होती है, और आप यहाँ पर किसी जानवर को नहीं चरा सकते हैं और इसे वन्य जीव में भी नहीं बदला जा सकता। मतलब अगर वन्य जीव अभ्यारण्य है तो उसे राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं बदला जा सकता है। और अगर आपकी ज़मीन इसके क्षेत्र में आ गई यानी वन्य जीव अभ्यारण्य में अगर आपकी ज़मीन आती है तो वो आपकी ही रहेगी, लेकिन जो नियम होंगे सरकार के वो आपको मान्य होंगे। बट अगर राष्ट्रीय उद्यान में आपकी ज़मीन आ रही है तो फिर सरकार इसको ले लेगी और इसकी एवज में मुआवजा या कोई अन्य जगह आपको ज़मीन दे दी जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के जो रूल होते हैं वो कठिन होते हैं वन्य जीव अभ्यारण की तुलना पर। यहाँ पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती, राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती। और जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं ये पर्टिकुलर एक विशेष जाति के लिए क्रिएट किए जाते हैं, यानी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए क्रिएट नहीं किए जाते हैं। तो यही इनमें सबसे बड़ा अंतर होता है, और सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य और सबसे छोटा होता है राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन जो रूल होते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान के सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे स्टेट वाइज आगे जो हमारे नेशनल पार्क हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो नेशनल पार्क स्थित हैं उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान दोनों एक ही है, उसी का इंग्लिश में नाम हो जाता है नेशनल पार्क और हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में, और इसका नाम एक पक्षी विज्ञानी थे, यानी पक्षी विज्ञानी थे सलीम अली, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है सलीम अली नेशनल पार्क। फिर आता है हमारा दचीगम, यानी दचीगम भी इसको कहते हैं, दचीगम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कश्मीर में स्थित है यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये फेमस है किसके लिए, कश्मीरी स्टैग यहाँ पर पाए जाते हैं जिन्हें हंगुल भी कहते हैं, कश्मीरी स्टैग या हंगुल वो इसी में पाए जाते हैं, यानी दचीगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। फिर आता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, ये हैं कश्मीरी स्टैग यानी हंगुल, इन्हीं को कहते हैं हंगुल, नाम तो यहीं पर पाए जाते हैं यानी दचीगम नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं लद्दाख के,
हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, यानी हेमिस भी कहते हैं इसको, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये लद्दाख में स्थित एक नेशनल पार्क है, और ये पहले जम्मू कश्मीर में ही आता था। यानी जब ये अलग अलग जम्मू कश्मीर व लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरीज नहीं बने थे, तो ये जम्मू कश्मीर के अंडर ही आता था। और अगर तब क्वेश्चन आता तो हमारा जम्मू कश्मीर ही आंसर होता, लेकिन अब आपको याद रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, और दोनों दिए हुए हैं यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो आपको लद्दाख को टिक करना है, यही सही माना जाएगा। अगर आप जम्मू कश्मीर टिक करते हैं तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन में है और लद्दाख नहीं है, तो आपको वहीं पर टिक करना है जम्मू कश्मीर, और अगर अगर लद्दाख है उसमें, तो फिर आपको लद्दाख टिक करना है। और ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ऊंचाई में स्थित है दोस्तों ये, और इसकी स्थापना 1981 में इसको बनाया गया था, और इसकी जो इसे जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1981 यानी 1981 में। और ये सबसे ठंडा भी राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि लद्दाख में स्थित है, लद्दाख क्षेत्र वैसे भी काफ़ी ठंडा क्षेत्र है। तो एक वहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध मठ हुआ करता था, हिमिस यानी हेमिस एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था, उसी के नाम पर इसका नाम हेमिस राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर पाए जाते हैं हिम तेंदुआ के लिए फेमस है, यानी कि स्नो लेपर्ड जो हैं वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में। ये आप देख सकते हैं, ये हैं स्नो लेपर्ड जो कि बर्फ़ में ही रहते हैं, और बर्फीला वो क्षेत्र भी है, काफ़ी ठंडा, सबसे ठंडा नेशनल पार्क यही है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, और इसे 1936 में इस्टेबल किया गया था, और बंगाल बाघ को बचाने के लिए, यानी जो बंगाल टाइगर हैं उनको बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी भारत की आज़ादी से पहले 1936 में। जिम कार्बेट इसका नाम क्यों पड़ा, इसका पहले पुराना नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, यानी सबसे, और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले यही राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, नेशनल पार्क इसी को बनाया गया था, और इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, लेकिन फिर इसका नाम जिम कार्बेट किया गया, क्योंकि जिम कार्बेट एक प्रसिद्ध शिकारी व प्रकृतिवादी थे, प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी थे जिम कार्बेट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया, और ये सबसे पहला सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। और जो रामगंगा नदी है, जो कि रिवर वाले लेक्चर में हमने कवर किया, रामगंगा नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, वो इसी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो रामगंगा नदी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं जो अगले नेशनल पार्क स्थित हैं उत्तराखंड में उनके बारे में। तो इसमें आगे आता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो गंगोत्री वैसे भी उत्तराखंड में, जहाँ से गंगा का उदय होता है, तो आपको इससे याद भी हो जाएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फिर आता है हमारा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार ये भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। फिर आता है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, अभी हमने पीछे आपको बताया था क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित है, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी घोषित किया था 1984 में, यानी 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। काफ़ी जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का लेक्चर है वो दो लेक्चर में हमने कवर किया, जो जितने भी भारत में जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यानी यूनेस्को द्वारा घोषित, तो उसमें हमने इसको डिटेल में समझाया, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आगे अभी और बहुत से मिलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित हैं, तो सभी के बारे में डिटेल जानकारी आपको उस लेक्चर में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर आता है हमारा राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क इसका नाम से ही लग रहा है, नाम इसका जो नाम है वो राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। ये कौन है, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और ये जो नेशनल पार्क है ये फेमस है एलिफेंट और टाइगर के लिए, यहाँ पर यानी एलिफेंट और टाइगर पाए जाते हैं। और फिर आता है अगला फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में, तो वो भी एक नेशनल पार्क है, और ये फूलों व वनस्पति के लिए फेमस है, यानी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में वनस्पति और फूल काफ़ी, तभी इसका नाम भी हुआ फूलों की घाटी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो फूल हैं वो पाए जाते हैं, और
काफ़ी मात्रा में वनस्पति भी पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम फूलों की घाटी नेशनल पार्क रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपने दोस्तों पहले भी सुना होगा, इसका नाम कहाँ सुना होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, क्योंकि 2014 में यूनेस्को ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया था। और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर पाई जाती है ब्लू शिप यहीं पर पाई जाती है, यानी कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। और स्नो लेपर्ड और बहुत सारी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की भी। तो अगला आता है हमारा पिन घाटी नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और पिन घाटी ये शीत मरुस्थल बायोस्फीयर है, यानी ये भी एक बायोस्फीयर घोषित है, लेकिन शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल का क्या मतलब होता है, काफ़ी ठंडा मरुस्थल तो वैसे पाए जाते हैं रेगिस्तान, लेकिन ये शीत मरुस्थल है यानी ठंडा प्रदेश। वैसे भी हिमाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ साइड पड़ता है, तो इसलिए ये शीत मरुस्थल बायोस्फीयर है, ये आपको केवल बात याद रखनी इसमें। फिर आता है इंद्र किला नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में। और फिर सिम्मल बारा नेशनल पार्क, इसकी क्या खासियत है कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है सिम्मल बारा नेशनल पार्क, यानी ये दोनों हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं। उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो देखते हैं दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी क्षेत्र में है दुधवा नेशनल पार्क। और यहाँ पर चीतल, सांभर, बारासिंगा आदि प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और फिर आगे आता है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में स्थित है चंद्रप्रभा सेंचुरी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और यहाँ पर पाए जाते हैं टाइगर, पैंथर, सांभर, टाइगर, पैंथर और सांभर यहाँ पर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले और देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये देखिए दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क। फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मध्य प्रदेश। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में ही हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाघों के लिए ज़्यादा फेमस है, यानी जो सबसे ज़्यादा बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। बाघों की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो मध्य प्रदेश में ही है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और यहीं पर पाए जाते हैं सफ़ेद बाघ, यानी सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। और फिर आता है हमारा कान्हा नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं कान्हा नेशनल पार्क में। इसे कान्हा किसली नेशनल पार्क भी कहते हैं और इसका शॉर्ट में नाम है कान्हा नेशनल पार्क। तो ये दो इम्पोर्टेंट दोनों बाघ के लिए फेमस है, वैसे सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में ही है बाघों की। फिर बढ़ते हैं आगे और ये आप देख सकते हैं बाघ। और फिर आता है पचमढ़ी सेंचुरी, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित है पचमढ़ी, और एक हिल स्टेशन भी है। और यहीं पर जो बार्किंग डियर पचमढ़ी सेंचुरी में ही पाए जाते हैं, चीतल, टाइगर, लेपर्ड और बार्किंग डियर, एक स्पेशल है जो वो है बार्किंग डियर जो कि यहाँ पर पाया जाता है। और फिर आता है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी स्थित है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा श्रेणी जो पर्वत श्रेणी भी है जहाँ से कई नदियाँ भी निकली हैं, और ये एक पर्वत श्रेणी भी है, तो ये यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी स्थित है, तो ये भी है एमपी पर। फिर आता है माधव नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में। फिर वन बिहार नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। फिर आता है पेंच नेशनल पार्क, इसे 2011 में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस नेशनल पार्क को, जो कि है पेंच नेशनल पार्क। और फिर आता है पन्ना नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में। तो आपने देखा दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके बारे में। तो इसमें आता है सबसे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसको घाना अभयारण्य भी कहते हैं, घाना अभयारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। और ये मुख्य रूप से पक्षी अभयारण्य है हमने, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी घोषित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये पक्षी अभयारण्य है। हमने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का लेक्चर उसमें इसको अच्छी तरह से कवर किया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि पक्षियों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर साइबेरिया से फरवरी में काफ़ी पक्षी भी आते हैं प्रवास के लिए, और
यहाँ पर और भी कई सारी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, और इसके आसपास दीवार बना दी गई है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जो पक्षी थे उनका काफ़ी शिकारी किया करते थे, इसलिए सरकार द्वारा इसके आसपास दीवार भी बना दी गई है। तो बढ़ते हैं अगले, और ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, यहाँ पर ये फेमस है पक्षी व टाइगर के लिए, यानी यहाँ पर पक्षी व टाइगर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले नेशनल पार्क की, जो कि ये सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व से ही पता चल रहा है, यहाँ पर बाघ बाघ ही पाए जाते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। और फिर आता है ताल चापर नेशनल पार्क, जो कि ब्लैक बक के लिए फेमस है, ब्लैक बक के लिए फेमस है ताल चापर नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। तो ये चार हमने देखे, केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का और ताल चापर, ये चारों हैं राजस्थान में। फिर बढ़ते हैं आगे और पश्चिम बंगाल के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा, और ये रॉयल बंगाल टाइगर का आवास है, यानी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन का जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र से बनता है, और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो मैंग्रोव वन है वो पाए जाते हैं सुंदरवन में। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित है, यानी सुंदरवन है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये रॉयल बंगाल टाइगर का ही आवास है। फिर आगे आता है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब असम के राष्ट्रीय उद्यान, तो वहाँ पर काजीरंगा और मानस दोनों ही एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस नेशनल पार्क हैं, और पश्चिम बंगाल दो ही जगह केवल एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल और असम में। तो पश्चिम बंगाल में जो ये जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं गोसमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और स्थित है पश्चिम बंगाल में। फिर आता है बक्सर टाइगर रिजर्व, ये बाघों के लिए फेमस है पश्चिम बंगाल में। फिर आता है कर्नाटक, कर्नाटक में सबसे पहले देखते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है कर्नाटक में, और यहाँ पर मुख्य रूप से जो प्रजाति है वो गौर पाई जाती है, जो कि बैल की एक प्रजाति है गौर, वो यहाँ पर पाई जाती है, और सांभर, चीतल और बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं यहाँ पर। फिर आता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इसका एक अन्य नाम भी है दोस्तों, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है कर्नाटक का। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं उड़ीसा के जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव इकोसिस्टम में एक है, जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उड़ीसा में। तो और यहाँ पर पाए जाते हैं समुद्री कछुआ, फिशिंग कैट, जंगली बिल्ली, ये सभी यहीं पर पाए जाते हैं, यानी भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगला आता है उड़ीसा का गहिरमाथा सेंचुरी, ये मुख्य रूप से दोस्तों प्रसिद्ध है ओलिव रिडले कछुओं के लिए फेमस है, यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से देश विदेश से जो ओलिव रिडले कछुए हैं वो यहाँ पर आते हैं, और फिर यहीं पर वो अपना प्रजनन करते हैं, और फिर उनकी जनसंख्या यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है, और मेन इसी के लिए ये गहिरमाथा सेंचुरी फेमस है कछुओं के लिए, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में आपको कछुए देखने को मिलेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि जो गहिरमाथा उड़ीसा में जो गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है कछुआ के लिए प्रसिद्ध है ये गहिरमाथा सेंचुरी। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं ओलिव रिडले कछुए जो काफ़ी मात्रा में आपको दिख रहे हैं। फिर आता है असम, असम में देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे पहले आता है, तो ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित है काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। फिर आता है मानस सेंचुरी, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित है यूनेस्को द्वारा, और जो मानस नदी है वो इसी सेंचुरी से होकर गुजरती है, यानी कि मानस सेंचुरी पर। यही दो असम के मुख्य रूप से नेशनल पार्क हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, ये एक सींग वाला गैंडा दोस्तों जो कि पाया जाता है असम और पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जल्दापारा नेशनल पार्क में, और असम में मानस और काजीरंगा दोनों नेशनल पार्क में पाया जाता है ये एक सींग वाला गैंडा। फिर आगे आते हैं सेंखोवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये तीनों भी असम में ही स्थित हैं। फिर आता है गुजरात, गुजरात में गिर नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है दोस्तों, और ये प्रसिद्ध है एशियाटिक शेरों के लिए, यानी यहाँ पर एशियाटिक शेर, बब्बर शेर यहीं पर पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क पर, यहीं पर शेरों की सबसे ज़्यादा संख्या यहीं पाई जाती है गिर नेशनल पार्क, और ये मेन फेमस भी है इसीलिए। फिर आता है ब्लैक बक नेशनल पार्क, नाम से ही लग रहा है यहाँ पर ब्लैक बक बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम भी है ब्लैक बक नेशनल पार्क।
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, ये है एशियाटिक शेर यानी बब्बर शेर। और दोस्तों आपको याद रखना है जो शेर और शेरनी में डिफरेंस होता है, तो जो शेर होते हैं उनके अयाल पाए जाते हैं, ये जो बाल देख रहे हैं आप गले के आसपास इनको अयाल कहते हैं, और ये सिर्फ शेरों में पाए जाते हैं यानी जो नर शेर होता है, बाकी जो शेरनी में ये बाल नहीं पाए जाते यानी अयाल नहीं पाए जाते। तो ये भी एक डिफरेंस है छोटा सा, तो हमने सोचा बता दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं केरल के राष्ट्रीय उद्यान। तो पेरियार नेशनल पार्क केरल में स्थित सबसे जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो पेरियार है, जो कि फेमस है हाथियों के लिए। यहाँ पर हाथी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं केरल में, पूरे केरल में। और जो पेरियार नेशनल पार्क है वो मुख्यतः हाथियों के लिए ही फेमस है, ये आप देख सकते हैं, ये है पेरियार नेशनल पार्क। फिर आगे बढ़ते हैं और सिक्किम के जो नेशनल पार्क है उनके बारे में देखते हैं। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है, और यहाँ पर मिक्स्ड हेरिटेज है यानी जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति और जानवर, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक जैव विविधता देखने को मिलती है, इसीलिए इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी घोषित किया गया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मणिपुर। तो मणिपुर में स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है। तो केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है और ये लोकटक झील में स्थित है। दोस्तों जो झीलों का लेक्चर है उसमें हमने इसके बारे में डिटेल से बताया है कि जो लोकटक झील है, फिर इसके जो ऊपर पाया जाता है केबुल, जो संघाई हिरणों के लिए फेमस है, ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या मतलब संघाई हिरणों का ये आवास है। यहाँ पर संघाई हिरण काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसको फूमडिस कहते हैं। आप देखेंगे कि जल में ही तैरते हुए काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो द्वीप दिखाई देते हैं इसी लोकटक झील में। तो यहीं पर स्थित है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं त्रिपुरा के जो नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले आता है तृष्णा सेंचुरी, जो कि त्रिपुरा में स्थित है, और यहाँ पर कई प्रकार के लंगूरों की जो प्रजाति है यानी गिब्बन लंगूर है, जो कई प्रकार के लंगूर हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तृष्णा सेंचुरी में। फिर आता है गोमती सेंचुरी, ये त्रिपुरा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है या वन्य जीव अभयारण्य आप कह सकते हैं, तो वही स्थित है त्रिपुरा में गोमती सेंचुरी। फिर आगे आता है हमारा हरियाणा, हरियाणा में दो स्थित हैं, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फैला हुआ है, यानी इसकी भी सीमाएं इससे लगती हैं, यानी इन राज्यों में भी फैला हुआ है हरियाणा के साथ साथ, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में। तो इंद्रावती नेशनल पार्क, मंगेर नेशनल पार्क, ये दोनों जो नेशनल पार्क हैं वो छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने, और जो इंद्रावती नेशनल पार्क है इसके बारे में थोड़ा हम बता दें, ये इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। इंद्रावती नदी है, उसी के नाम पर इसका नाम इंद्रावती नेशनल पार्क रखा गया। और यहाँ पर जो ये वाइल्ड बफेलो के लिए फेमस नेशनल पार्क है, यानी यहीं पर ये पाई जाती हैं और काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती हैं, तो उन्हें के लिए संरक्षित स्थान है इंद्रावती नेशनल पार्क। और एक और है मंगेर घाटी नेशनल पार्क, तो ये दो ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है जो मुख्य रूप से नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो भारत के उपस्थित यानी भारत में स्थित जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में डिटेल से हमने जाना। तो आप इसी तरह सीरीज से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन करें और ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद।